पहले T20 मुकाबले में आया भारतीय टीम के गेंदबाजों का तूफान, टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बड़े स्कोर से इस मुकाबले को जीता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार भारतीय टीम ने किस तरह से इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करी है। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी टीम इंडिया की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश है। तो दोस्तों, हम बात करें आज के मुकाबले की, तो आज के मुकाबले में दोनों ही टीमें काफ़ी शानदार फॉर्म में उतरी थी। दोनों ही टीमों में कड़ी टक्कर हमें देखने को मिली थी, जहाँ पर शुरुआत से ही हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत की हम बात करें तो इस मुकाबले में काफ़ी शानदार शुरुआत ईशान किशन ने दी थी। हालांकि पृथ्वी शॉ उनके साथ कुछ खास करते हुए नहीं दिखे थे। ईशान किशन ने यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर पृथ्वी शॉ इस मुकाबले में मात्र 2 ही रनों का योगदान दे पाए थे। पृथ्वी शॉ भी शानदार फॉर्म में दिखे थे, लेकिन यहाँ पर आते ही इनका विकेट ले लिया था यहाँ पर चमिका करुणारत्ने ने, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कुछ खास नहीं कर पाए। तो वहीं पर ईशान किशन ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 50 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो वहीं पर इनका विकेट गिरा था यहाँ पर वनिंदु हंसरंगा के रूप में। इसके बाद यहाँ पर पारी को संभालते हुए दिखे के एल राहुल ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आज के मुकाबले में 28 रन बनाए थे। हालांकि KL राहुल अभी भी अपनी फॉर्म में नहीं लौटे हैं। ये टेस्ट मुकाबले से लेकर यहाँ पर T20 सीरीज में अब तक कमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी 28 रनों का योगदान इनका भी यहाँ पर देखने को मिला था और इनका विकेट लिया था यहाँ पर महेश दीक्षाणा ने। इसके बाद संजू सैमसंग की हम बात करें तो आज के मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस संजू सैमसंग और सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला था, जहाँ पर संजू सैमसंग ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 88 गेंदों पर 98 रनों की शानदार पारी खेली थी। वहीं पर सरेश अय्यर ने भी काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस किया और आज के मुकाबले में 30 रनों का योगदान इन्होंने भी दिया था। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 60 रन इन्होंने भी बनाए थे। यानी कि यहां पर काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसंग का देखने को मिला था। संजू सैमसंग ने इस मुकाबले में अपनी शतक के पारी के करीब होने के बावजूद भी यहाँ पर ये शतक नहीं लगा पाए थे। हालांकि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा था। इनकी इस पारी में इन्होंने 6 छक्के भी अपनी इस पारी में जड़े, तो वहीं पर 8 चौके भी इन्होंने लगाए थे। यानी कि संजू सैमसंग के बल्ले से तूफानी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी। तो वहीं पर शानदार परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव का भी देखने को मिला था। दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर एक ऐतिहासिक जीत टीम इंडिया को दिलाई है। हम बात करें यहाँ पर श्रीलंका की टीम के बल्लेबाजों की, तो श्रीलंका की टीम के बल्लेबाज आज कुछ खास करते हुए नहीं दिखे थे। पहले ही मुकाबले में कप्तान दसुन सनाका का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा था। इन्होंने 104 रन बनाकर यहाँ पर अपना शतक इस मुकाबले में पूरा किया था। इसके बाद हम बात करें इस टीम के ओपनर बल्लेबाजों की, तो ओपनर बल्लेबाज इस मुकाबले में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे थे। यहाँ पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक के बाद एक बल्लेबाज के विकेट गिराए थे, जहाँ पर पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस यहाँ पर पारी की शुरुआत करते हुए दिखे थे। लेकिन यहाँ पर पाथुम निशंका को आते ही यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने इनका विकेट ले लिया। यानी कि यहाँ पर पाथुम निशंका इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो वहीं पर कुशल मेंडिस भी मात्र 4 ही रन बना पाए थे और इनका विकेट भी अर्शदीप सिंह के रूप में गिरा। इसके बाद धनंजय डी सिल्वा की हम बात करें तो नंबर 3 पर यह बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन इनको भी यहाँ पर युजवेंद्र चहल ने खाता भी नहीं खोलने दिया और धनंजय डी सिल्वा का भी इन्होंने विकेट ले लिया। इसके बाद श्रीलंका की हम बात करें तो यहाँ पर ऑलराउंडर खिलाड़ी श्रीलंका जो कि काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी है, लेकिन ये भी सिर्फ 4 ही रन बना पाए थे और इनका विकेट यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ने लिया था। इसके बाद भानुका राजपक्षे की हम बात करें तो विकेट कीपर बल्लेबाज ने यहाँ पर पारी को संभालते हुए 34 रनों का योगदान अपनी इस पारी में दिया था। यानी कि यहाँ पर नंबर 4 तक बल्लेबाज मात्र 8 ही रन बना पाए थे। इसके बाद भानुका राजपक्षे ने 34 रनों का योगदान अपनी इस पारी में दिया था। भानुका राजपक्षे का विकेट यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने लिया था। इसके बाद दसुन सनाका की हम बात करें तो कप्तान दसुन सनाका ने आज के मुकाबले में नाबाद पारी के लिए, जहां पर दसुन सनाका ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 104 रन इस मुकाबले में बनाए थे। यानी कि दसुन सनाका की शानदार पारी के बदौलत इस टीम ने एक सम्मानजनक स्कोर को प्राप्त कर लिया। वहीं पर इसके बाद वनिंदु हंसरंगा की हम बात करें तो वनिंदु हंसरंगा भी आज के मुकाबले में मात्र 22 ही रन बना पाए थे। तो वहीं पर चमिका करुणारत्ने भी इस मुकाबले में मात्र 5 ही रन ले पाए थे। तो वहीं पर महेश दीक्षणा सिर्फ 11
18 रनों का योगदान दे पाए, तो वहीं पर लहिरू कुमारा भी मात्र 25 रन बना पाए थे। यानी कि इस टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज कुछ खास करता हुआ नहीं दिखा था। हालांकि दसुन सनाका ने पारी को संभालते हुए यहाँ पर 198 रनों तक टीम के स्कोर को पहुँचा दिया। भारतीय टीम ने आज के मुकाबले में 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 267 रनों का टारगेट यहाँ पर श्रीलंका की टीम के सामने रखा था, लेकिन श्रीलंका की टीम यहाँ पर 20 ओवर में 10 विकेट खोने के बाद मात्र 198 रन ही बना पाई थी, जिसकी वजह से इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 67 रनों की बढ़त से इस मुकाबले को अपने नाम पर कराया। यानी कि एक बड़ी बढ़त से इस मुकाबले को जीत कर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाजों की हम बात करें तो यहाँ पर ईशान किशन का परफॉर्मेंस शानदार रहा था, तो वहीं पर संजू सैमसन जो कि काफ़ी शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज और कमाल का परफॉर्मेंस इनके बल्ले से देखने को मिला था, तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव कमाल की तूफानी बल्लेबाजी करते हैं और इस मुकाबले में भी इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या आज के मुकाबले में हमें खेलते हुए नहीं दिखे थे, क्योंकि यहाँ पर पारी को फिनिश सूर्य कुमार यादव ने ही कर दिया था और 267 रनों का टारगेट श्रीलंका की टीम के सामने रख दिया था। हालांकि हार्दिक पांड्या भी काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी, आने वाले मुकाबले में वे भी शानदार परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया को दिखाने वाले हैं। तो वहीं पर इसके अलावा हम बात करें टीम इंडिया के गेंदबाजों की, तो काफ़ी शानदार गेंदबाजी भारतीय टीम की देखने को मिली थी आज के मुकाबले में। वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और रविंद्र जडेजा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए श्रीलंका की टीम के एक के बाद एक बल्लेबाजों को यहाँ पर पवेलियन की राह दिखा दी। तो वहीं पर श्रीलंका की टीम के गेंदबाज आज कुछ खास करते हुए नहीं दिखे थे। हालांकि महेश दक्षिणा, चामिका, करुणा रत्ने, वानिंदु हसरंगा ने यहाँ पर भारतीय टीम के विकेट जरूर लिए थे, लेकिन यहाँ पर ये कुछ खास नहीं कर पाए थे। पृथ्वी शो का विकेट जरूर शुरुआत में ही टीम इंडिया की तरफ से गिर गया था। पृथ्वी शो के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा था, लेकिन यहाँ पर संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, सरेस अय्यर ने पारियों को संभालते हुए यहाँ पर इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस किया। तो वहीं पर ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों क्या लगता है, आने वाले मुकाबले में भी क्या टीम इंडिया का परफॉर्मेंस इसी तरह का देखने को मिलेगा? क्या वार्म अप मुकाबले की तरह टीम इंडिया भी शानदार परफॉर्मेंस पहले T20 मुकाबले में भी कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।